जबलपुर में आबकारी एसी की सराहनीय पहल। अब निचले तबके का कर्मचारी भी रख पाएगा वरिष्ठ अफसरों के समक्ष अपनी बात। जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी, जिन्होंने सिस्टम की धारा से अलग कुछ सोचा और निचले तबके की बेहतरी के लिए हम एक परिवार हैं मुहिम के तहत वन टू वन चर्चा को आमंत्रित किया। उक्त चर्चा को व्यक्तिगत रूप से करने और गोपनीयता का विश्वास दिलाने के कारण अब निचला तबका अपनी बात ठीक से विभाग प्रमुख के सामने रख पाएगा। उम्मीद है कि इस तरह की पहल विभागीय कार्यशैली में भी मजबूती लाएगी और एक प्रोत्साहन भरा माहौल निर्मित होगा। माननीय आबकारी आयुक्त महोदय, हमारे यहाँ जो आबकारी परिवार है उसमें हम एक आबकारी परिवार के तहत जो पहल की है उससे हमारे ऑफिस के समस्त कर्मचारी हैं उनके जो व्यक्तिगत परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, सभी को विगत 4 घंटा से सुन रहे हैं, वन टू वन सभी को बुला रहे हैं और आबकारी सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा हमें पूर्ण आश्वासन मिला है कि इसके जो परिणाम हैं कुछ ही दिनों में पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि अच्छे आए। जैसे कई क्या होता है कि शासकीय कार्य करने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि वो अपने व्यक्तिगत परेशानी या पारिवारिक परेशानियों के कारण सही ढंग से शासकीय कार्य नहीं कर पाते, तो साहब को कुछ दिनों से ये अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, इस वजह से किसी को परेशानी हो रही है, तो उनने फिर इस पहल के तहत सभी को बुलाए और सबसे वन टू वन चर्चा कर रहे हैं और जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको आश्वासन दिए हैं कि मेरी कोशिश रहेगी कि वो समस्याओं का जल्द से निराकरण हो ताकि आप अपने शासकीय कार्य सही ढंग से और सुचारू रूप से कर सकें। लगभग अभी 35 करीब हमारे यहाँ जो कांस्टेबल हैं वो मिल चुके हैं और ऑफिस का जो स्टाफ है 6-7-8 वो मिल चुके हैं। इस तरह से लगभग 40 लोग साहब से मिल चुके हैं अभी तक। मैं परमानंद कोर्चे, कंट्रोल रूम प्रभारी। आपने जो पहल की है हमारा परिवार, इसमें आप और क्या रुझान मिले, लोगों की क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? मैंने ये प्रयास किया है कि विभाग में पदस्थ सभी कर्मचारी अधिकारी विभाग को अपना परिवार समझें। इसके लिए मैंने एक पहल की है कि हम एक परिवार हैं और मेरा ये प्रयास है कि मेरे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जिन भी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनके कारण उनकी कार्य क्षमताएँ प्रभावित हो रही हैं, और अगर उन परेशानियों के निदान में मैं कुछ सहयोग कर सकता हूँ तो मुझे सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने अपने सभी अधीनस्थों को कहा था कि अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझसे वन टू वन चर्चा कर सकते हैं, ये चर्चा पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और इसमें आप मुझसे जिस सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, मैं शासकीय नियमों के दायरे में रहते हुए, नियमों के अंतर्गत रहते हुए आपकी जो भी सहायता कर सकता हूँ मैं वो सहायता करूँगा। इस संबंध में आज लगभग 20 से 25 और बल्कि और ज़्यादा ही कर्मचारी अधिकारियों ने मुलाकात की है और मुझे अपनी समस्याएँ बताई हैं और वो समस्याएं उनकी पारिवारिक, सामाजिक हैं, कुछ की कुछ शारीरिक समस्याओं से ग्रसित हैं, शारीरिक बीमारियों से उन्होंने मुझे बताया है और उसको देखते हुए मैं जो बेहतर उनके लिए कर सक रहा हूँ उसकी प्रयास करूँगा ताकि मेरा जो अधीनस्थ स्टाफ है ये एक परिवार हम आपस में हम लोग महसूस कर सकें और उनको एक बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सकें जिसमें वो अपना अधिकतम क्षमता से काम करें और बेहतर परिणाम विभाग के लिए दे सकें। आपने ये मील का पत्थर तो स्थापित कर दिया होगा। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि अभी उनके रुझान आपके अपेक्षाएं बढ़ती है, अपेक्षा करता है आदमी, तो उसको दूरंदेशी परिणाम ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपसे क्या आशा करते हैं? देखिए, विभाग में बहुत सारे जो अधीनस्थ हैं वो कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं चाहते हैं। अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियाँ बताते हुए जो सहयोग मांगते हैं वो एक कार्यालय प्रमुख के शक्तियों के अंतर्गत ही होती हैं, बस ये हेजिटेशन में पहले नहीं बोल पाते थे। आज मैंने इन्हें मौका दिया है तो ये इन लोगों ने आकर मुझसे कहा है, जैसे कि शिफ्ट जो बनाई जाती है ड्यूटी की उसके संबंध में लोगों ने अपनी बात रखी है, कुछ लोगों ने इस संबंध में अपनी बात रखी है कि उनका अगर इस सर्किल से दूसरे सर्किल में अगर कर दिया जाए तो उनको उनका घर पास पड़ेगा तो वो बेहतर काम कर पाएंगे। ऐसे ही साधारण मुद्दे हैं जिस पर लोगों ने बात की है, अपनी समस्याएँ बताई हैं, उनमें से जो भी समस्या का निदान नियमों के अंतर्गत और शासकीय कार्य में बिना व्यवधान किए संभव हो सकेगा तो वो निदान हम करेंगे ताकि उन लोगों को ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां मिल सकें काम करने के लिए। आपके उच्च अधिकारी जो भी, उनका क्या रिस्पॉन्स है आपकी एक पहल?
देखिए, मैंने तो ये पहल बहुत ही अपने स्तर पर ही शुरू की थी और अभी तक मैंने किसी से उच्च अधिकारी से इस संबंध में बात ही नहीं की है। मेरी ये पहल सिर्फ मेरे कार्यालय को लेकर है कि मेरे कार्यालय में पदस्थ जो लोग हैं वो इस ऑफिस को एक परिवार माने और मुझे अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। इस दृष्टिकोण को लेते हुए मुझे अपनी समस्याएं बताएं, तो मैंने अभी ये जानने का प्रयास नहीं किया है कि इस पहल का अन्य ऑफिसेज में या विभाग में ऊंचे स्तर पर इस पहल का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो मैंने जानने का प्रयास नहीं।